मखाने की खीर के लिए हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे और घी गर्म हो जाए तो हम इसमें 100 ग्राम मखाने डाल के इसे भूनेंगे। मखानों को एकदम कुरकुरा भूनिए और फिर इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। भुने हुए मखानों को हम बीच से 2 से 3 पीसेस में काट लेंगे। इस तरीके से इसके पीसेस बना लें छोटे छोटे। हमने सारे मखानों को काट के रख लिया है। अब हम एक कढ़ाई में 1 लीटर फुल क्रीम दूध लेंगे और इसमें 1 उबाल आने तक इसको पकने देंगे। दूध अच्छे से उबल गया है, बस इसको एक बार चला दें और फिर हम इसमें अपने कटे हुए मखानों को डाल देंगे। अब हम मखानों को अच्छी तरीके से मिला देंगे जैसे ये पूरे दूध में डूब जाए। इसे तब तक अच्छे तरीके से चला दीजिए। अब हम इसमें कटे हुए काजू और कटे हुए बादाम डालेंगे और इसको भी अपनी खीर के साथ पकने देंगे। हमें इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक दूध हल्का गाढ़ा ना हो जाए। जब दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो हम इसमें 3/4 कप चीनी डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से फिर से मिलाएंगे और फिर से इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। दूध हल्का गाढ़ा हो गया है, अब हम इसे ढक के 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसे चलाएंगे और इसमें अब हम इलायची पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। हमारी खीर बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लीजिए। हम इसे कटे हुए पिस्ता डाल के इसे गार्निश करेंगे और ये मखाने की खीर बिल्कुल तैयार है। आप इसको ठंडा या गर्म जैसे भी पसंद हो वैसे खा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।